नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं इंजन असेंबली के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन, डीजल इंजन का संयोजन करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है पेचकस, प्लायर, टॉर्क रेंच, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। इंजन को खोलने और बांधने के लिए इन सभी टूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक टॉर्क रेंच का प्रकार नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा टॉर्क रेंच का प्रकार नहीं है, टाइप्स नहीं है। डायल टाइप, माइक्रोमीटर टाइप, कैलपर टाइप, टोर्सन टाइप, बार टाइप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैलपर टाइप टॉर्क रेंच का प्रकार नहीं है, बाकी ये सारे टॉर्क रेंच के प्रकार हैं। टॉर्क रेंच के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? डायल टाइप टॉर्क रेंच, ब्रेक ओवर टाइप, फिर आया टोर्सन बार टाइप, ब्रेक टाइप को बोलते हैं माइक्रोमीटर टाइप। तो आपसे क्वेश्चन में आ सकता है ब्रेक टाइप या वहां दिया होगा माइक्रोमीटर टाइप, तो देख लेना है क्वेश्चन में। जो टॉर्क रेंच होते हैं उनका प्रयोग सॉकेट स्पैनर के साथ किया जाता है और इसको नट को खोलते और कसते समय प्रयुक्त शक्ति की जो माप होता है वो प्रयुक्त मिलता है। और टॉर्क रेंच का प्रयोग करने से जो नट और बोल्ट होते हैं या स्टड होते हैं वो टूटते नहीं है जब उनको खोलते हैं या उनको टाइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर टॉर्क रेंच को कहते हैं, जो माइक्रोमीटर टॉर्क रेंच होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? डायल टॉर्क रेंच, ब्रेक ओवर टॉर्क रेंच, टोर्शन टॉर्क रेंच, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक ओवर टॉर्क रेंच। जो माइक्रोमीटर टॉर्क रेंच होता है उसको ब्रेक ओवर टॉर्क रेंच के नाम से भी जाना जाता है। जो ब्रेक ओवर टॉर्क रेंच होता है इसमें हैंडल तथा रैचेट हेड के ऊपर एक माइक्रोमीटर स्केल लगा होता है। इससे टॉर्क की जो माइक्रोमीटर स्केल पर सेट किया जा सकता है। आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि माइक्रोमीटर स्केल किस रेंच में लगा होता है, तो ब्रेक ओवर टॉर्क रेंच या माइक्रोमीटर टॉर्क रेंच में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक विमानों को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? डायल बोर गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो आंतरिक विमान होते हैं उनको मापने के लिए डायल बोर गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल बोर गेज की किस अवयव द्वारा प्लंजर गति को डायल तक पहुंचाता है? स्थिर एनविल, केंद्रण सूज, स्लाइडिंग प्लंजर, स्टेम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेम के द्वारा। जो स्टेम होती है वो सारे कंपोनेंट को एक साथ जोड़े रखता है और जो प्लंजर की गति होती है, प्लंजर का जो मोशन होता है उसको डायल तक पहुंचाने के लिए वो मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल बोर गेज की मापन रेंज बढ़ाने के लिए इनमें से क्या लगाया जाता है? वॉशर, स्लाइडिंग प्लंजर, स्टेम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉशर। डायल बोर गेज जो होता है उसका जो मापन रेंज होती है उसको बढ़ाने के लिए वॉशर का प्रयोग किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है घटक के साइज में अंतर निर्धारित करने हेतु, तुलना करने हेतु, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं घटक के साइज के अंतर को निर्धारित करने और तुलना करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर
में किस प्रकार की गति होती है? दोलन गति, रेखीय गति, पश्चात गति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोलन गति। जो लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर होते हैं उनकी जो गति होती है वो मैग्निफिकेशन को लीवर तथा स्क्रोल लीवर एंड स्क्रोल मैकेनिज्म द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें बॉल टाइप कनेक्ट के साथ एक स्टाइलस होता है तथा उसके अंदर दोलन गति होती है। इसके विपरीत प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के पश्चात जो गति होती है वो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की रेखीय गति के पश्चागर गति में परिवर्तित करने के लिए किस मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है? स्वचालित मैकेनिज्म, लीवर एवं स्क्रॉल मैकेनिज्म, रैक एंड गियर मैकेनिज्म, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैक एवं गियर मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का अनुप्रयोग है शाफ्टों की संकेंद्रता ज्ञात करना, छड़ों का सीधापन जांचना, प्लेन सतह की समानांतर जांचना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्रयोग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब सीट लगाते समय उसे ठंडा करने हेतु प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन, तरल नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरल नाइट्रोजन के द्वारा उसको ठंडा किया जाता है। तरल नाइट्रोजन या उसको बर्फ के द्वारा उसको ठंडा किया जाता है, साथ में बर्फ भी लिख लेना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्व गाइड बदलते समय कौन सा ऑयल लगाया जाता है? केरोसिन ऑयल, इंजन ऑयल, लुब्रिकेशन ऑयल, ये सभी। तो इसका सही आंसर है इंजन ऑयल। वाल्व गाइड जब बदलते हैं तो उस समय इंजन ऑयल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग मशीन का असेंबली में प्रयोग किया जाता है वाल्व सीट बदलने हेतु, वाल्व सीट लगाने हेतु, वाल्व गाइड बदलने हेतु, वाल्व रिफेसिंग हेतु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाल्व रिफेसिंग हेतु। जो ग्राइंडिंग मशीन होती है उसका काम होता है, उसका जो प्रयोग किया जाता है वो वाल्व रिफेसिंग हेतु किया जाता है। और वाल्व सीट को मोटा करने में बोर कटर का प्रयोग किया जाता है, और जो सीट को काटकर उसे पतला बनाने में फेस कटर का प्रयोग किया जाता है। और जब वाल्व गाइड लगाते समय क्या उसमें क्या जांचना चाहिए? तो उसके अंत में हेड की जो प्रोजेक्शन होती है उसको जांचना चाहिए। आपसे एक क्वेश्चन है कि इंजन की क्रैंक शाफ्ट पर जो क्रैंक पिन होती है उसका जो कोण होता है, एंगल होता है, वो कितने डिग्री होता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपने। नेक्स्ट है, वाल्व सीट को हटाकर पतला करने के लिए प्रयोग किया जाता है, सॉरी उपयोगी है, बोर कटर, फेस कटर, वाल्व कटिंग स्पैनर, स्क्राइबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेस कटर का प्रयोग किया जाता है वाल्व सीट को काटकर उसको पतला करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन को लाइनर में फिट करने के दौरान इंजन ऑयल लगाते समय पिस्टन का ओ निशान रखा जाता है क्रैंक शाफ्ट की ओर, फ्लाई व्हील की ओर, केम शाफ्ट की ओर, बेयरिंग की ओर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केम शाफ्ट की ओर। क्रैंक शाफ्ट का काम होता है रोटरी मोशन में घूमना, और रोटरी मोशन में कौन घुमाता है? कनेक्टिंग रॉड, जो पिस्टन के साथ ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये आगे क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ी होती है। जब पिस्टन ऊपर से नीचे की चाल चलता है तो जो ये कनेक्टिंग रॉड होती है ये साथ में जो क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ी होती है उसको रोटरी मोशन में घुमाती है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन से रोटरी में कौन घुमाता है? तो ये कनेक्टिंग रॉड घुमाती है। और जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक चलता है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक चलता है, तो वो स्ट्रोक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कनेक्टिंग रॉड के सीधेपन की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायल बोर गेज, फिलर गेज, रेडियम गेज, नॉकिंग रॉड अलाइनमेंट गेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉकिंग रॉड अलाइनमेंट गेज। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।